हम सभी को पता है लोकसभा चुनाव है और इसी दौरान जो है सभी उम्मीदवार जो है अपने प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं। जनता के पास वो अपने एजेंडे को रख रहे हैं और मतों का जो है यहाँ पर मांग, जो मतों की मांग है वो हो रही है। आज हम आए हैं चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से हम बातचीत करने वाले हैं अखिल भारतीय मानवता पार्टी की वनिता राउत इनसे। इनका अलग ही मुद्दा लेकर ये लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने नामांकन दर्ज किया है। उनसे जानते हैं कि आपने जो मुद्दा चुना है वो अनोखा मुद्दा है, क्या बताओगे? नहीं, मुद्दा तो अनोखा नहीं है, मुद्दा अनोखा नहीं है, ये तो सबको मालूम है कि सब लोग तो दारू पीते ही है, अवैध रीते पीते हैं। तो मेरा अनोखा मुद्दा इस नहीं है, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि अभी अवैध रीते जो दारू पी रहे हो तो अधिकृत से पियो, लाइसेंस से पियो और सरकार मान्यता से पियो। क्योंकि आप अवैध रीते दारू है तो आप अनलिमिटेड पी जाते हो, कोई मर्यादा नहीं है उस दारू में। और जब अवैध रीते ये दारू चल रही है तो गुनहगारी भी बढ़ रही है ना। तो अभी आप देखेंगे जब कितने दारू के वजह से कितनी गुनहगारी बढ़ रही है, अभी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये अवैध रीत्या जो दारू है, अवैध रीत्या जो दारू शराब बेची जा रही है उसमें कितनी गुनहगारी बढ़ रही है। अभी छोटे छोटे बच्चे पर भी गुने हैं अवैध रीत्या दारू शराब बेचने से। तो इसलिए मेरा ये मुद्दा है कि जहाँ गाँव वहाँ बियर बार अधिकृत सरकारी बियर बार दुकान होना चाहिए और जो बेच रहा है दारू उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो पी रहा है उसके पास भी परमिट होना चाहिए। ऐसे ये मेरे मुद्दे हैं, ऐसे करने से एक और लिमिट आ जाएगी। बस जहाँ गाँव वहाँ बियर शॉपी, ये आपका एक नारा है ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये मुद्दा छोड़कर और कोई मुद्दे नहीं है जनता के पास जाने के लिए? आपके पास और मुद्दे है ना, मैं और वो भी मुद्दा खड़ी करी हूँ कि जो ग्रामीण रोजगार हमी योजना है, जो ग्रामीण रोजगार हमी योजना है वो लोग गरीब लोग काम पर जाते हैं, माटी ऐसा रोड बना लेते हैं तो उसमें जैसा काम वैसा दाम ये भी सरकार देती है। कितने भी मिट्टी में डालेंगे तो 200-150 के ऊपर उनका नहीं मिलता। तो सरकार से ये भी मैं मुद्दा लेके खड़ी हूँ कि अगर आप जन यो ग्रामीण रोजगार हमी में वो जो काम कर रहे हैं लोग, उनको अगर एक चपरासी के बराबर उनका आप दिन की रोजी देंगे तो जिन मतलब चपरासी को दिन में कितनी रोजी मिलती है उतनी रोजी ये वो ग्रामीण रोजगार हमी में जो काम करता है मनुष्य उनको देना चाहिए। ये भी मैं मुद्दा खड़ी करी हूँ। इससे पहले भी आपने नागपुर लोकसभा के लिए नामांकन दर्ज किया था, चिमूर विधानसभा के लिए भी नामांकन दर्ज किया था, अब आप चंद्रपुर लोकसभा के लिए नामांकन दर्ज कर मतलब किया है। 19 अप्रैल को जो है यहाँ चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुझे बताइए ये जो मुद्दा लेकर आप जनता के पास जा रही है तो जनता की ओर से आपको किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है? अभी प्रतिसाद तो मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं वो नहीं बता सकती, क्योंकि वो उनके समझ के ऊपर है, वो इस मुद्दे को कैसे समझ लेते हैं इसके ऊपर उनके पास ये है। जब मैं नागपुर लोकसभा में खड़ी थी तो मैं कुछ मुद्दे थे मेरे कि कोई आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, बेरोजगारी मुक्त भारत चाहिए और सभी को शिक्षा समान चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, खासदार का लड़का हो, आमदार का लड़का हो और एक कुछ गरीब का लड़का हो वो भी एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। वो भी मैंने मुद्दे खड़े करी थी, यही नहीं कि दारू का ही मुद्दा खड़ी करी हूँ, वो भी मुद्दे खड़ी करी थी मैं। तो ये थी वनिता राउत, इन्होंने जो है जहाँ गाँव वहाँ बियर शॉपी का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किया और आने वाले 19 अप्रैल को चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि इनको इस नारे पर कितना जो है जनमत मिलता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।